दोस्तों जब बात करेंगे स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय के बारे में कि इनमें क्या अंतर होता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय, ये तीनों ही मार्केटिंग से रिलेटेड शब्द हैं और इन वर्ड्स को आपने ज्यादातर टीवी शो और रियलिटी शो में ही सुना होगा। इन टीवी शोज में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन कराने के लिए आती हैं और वो यह काम स्पॉन्सर या प्रेजेंटर बनकर करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर्ड बाय के बारे में। दोस्तों आपने कई टीवी शोज में ये जरूर सुना होगा कि दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्स वाई जेड कंपनी, मतलब ये शो किसी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है। और ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है कि स्पॉन्सर्ड बाय आखिर होता क्या है और स्पॉन्सर क्यों बना जाता है। पहले आपको बता दूं कि स्पॉन्सर कोई व्यक्ति, संगठन या कंपनी हो सकती है। और जब कोई व्यक्ति, संगठन या कंपनी किसी प्रोग्राम जैसे कि टीवी शो या रियलिटी शो के कुछ भाग का खर्च उठाता है, जैसे कि 100 में से 10%, तो वह उस शो के स्पॉन्सर बन जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि स्पॉन्सर क्यों बना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी टीवी शो का खर्चा बेवजह उठाएगी नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट के लिए बना जाता है। जैसे किसी कंपनी ने कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है और उस कंपनी को उस फोन का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो किसी रियलिटी शो के स्पॉन्सर बन जाते हैं और उस शो का थोड़ा सा खर्च उठाते हैं, जिसके बदले उस शो में उस मोबाइल का नाम लिया जाएगा या उस शो का प्रमोशन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंटेड बाय के बारे में। दोस्तों प्रेजेंटेड बाय का प्रयोग उस कंपनी के नाम के आगे किया जाता है जो किसी टीवी शो या फंक्शन में सबसे ज्यादा पैसा लगाती है। जैसे अगर किसी शो में 1,00,000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो कोई कंपनी उस शो में 40,000, 50,000 या 60,000 रुपये लगाकर उस शो की प्रेजेंटर बन सकती है। लेकिन उस कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो उस शो में कितने पैसे लगाती है। अब अगर हम बात करें पावर्ड बाय की, तो ये वह कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट को किसी टीवी शो या रियलिटी शो में इस्तेमाल करने के लिए देती है। जैसे कि कोई नया स्मार्टफोन, उस शो में या तो कंपनी अपने फोन को या जो भी चीज़ वो कंपनी बनाती है तो उस शो में उस वजह को बताया जाता है जिस वजह से आपको उसे खरीदना चाहिए। जैसे कि आज की कंपनियां जानती है कि आजकल ज़्यादातर लोग कैमरे पर ध्यान दे रहे हैं और सभी कंपनी अच्छे से अच्छा कैमरा कम से कम दाम पर देने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसा करने से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो स्पॉन्सर वो होते हैं जो किसी शो में थोड़ा पैसा लगाते हैं और प्रेजेंटर वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और पावर्ड बाय उस कंपनी के नाम के आगे लगाया जाता है जो किसी शो में अपने प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए देती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय में क्या अंतर होता है।